हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज मैं जा रही हूँ मिनी ट्रिप पर दिल्ली से बाहर आगरा। तो ये एक दिन का टूर होगा और बाय ट्रेन में जा रही हूँ। तो सारा सामान मैंने रख लिया है, बस फिर भी अभी कुछ कुछ चीज़ें जो रह रही हैं फटाफट जाके भाग कर देख के रख रही हूँ। लेकिन सिम्बा ऊपर सो रहा है और सिम्बा ने मुझे बैग लाते हुए देख लिया है और सिम्बा से डाउट में ही कहाँ जा रही हूँ मुझे छोड़ के। जाते जाते सिम्बा को भी खाना खिला दिया। सिम्बा बिठाओ, तुम्हारे दूध में हमने मिलावट कर दी है, ठीक है? आ जाओ। और बेटा मेरे हाथ से खाना खाओ, मेरा गुड बॉय, खाना खाओ मेरे हाथ से। बैठ के खाना खा। मैं जा रही हूँ, ठीक है, घूमने। सामान के लिए मुझे मेकअप बॉक्स नहीं मिल रहा, तो मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा नहीं लेके जाना, तो फिर मैं झोले भी रख लेती हूँ, इसमें रख लेती हूँ। और दूसरा यार, एक दिन की ट्रिप पे जा रही हूँ मैं, सिर्फ एक दिन की। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। ट्रेन में मेरी पास्ता पार्टी। पास्ता खाऊंगी लेकिन कल थोड़ी ना, मैं सुबह बहुत देर से ट्रेन पैदल चलते चलते अभी कहीं पहुंची है।
भाई बोरिंग जर्नी। ट्रेन पहुंच गई है कृष्ण नगरी मथुरा जंक्शन। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पे हर वक्त इतनी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ से आप आओगे और यहाँ से आप मथुरा की सैर कर सकते हैं। ये ट्रेन इतनी स्लो चल रही है, इतनी स्लो कि इस ट्रेन को भी लेके जाने के लिए दूसरी ट्रेन बुलानी पड़ेगी। तो राजा मंडी पहुंच गए हम और इसके बाद अब अगला स्टेशन है आगरा कैंट। ट्रेन थोड़ा लेट हुई है क्योंकि तो ये स्लो स्लो चल रही थी, बट चलो पहुंच रहे हैं, थोड़ा 20 मिनट लेट पहुंचे लेकिन हम पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट बाद आगरा कैंट आएगा, तो उतरेंगे फिर वहां से कैब करके अपने होटल जाएंगे। तो इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और पहुंच गए हैं मैं आगरा कैंट, और अब यहाँ से बाहर निकल के अब देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं टैक्सी ऑटो जो भी मिलता है, तो उसके बाद होटल सर्च करना होगा।